हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। आज भी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लेके आया हूँ। टेढ़े खेतों को तीन भाग में कैसे अलग करें, या तीन भाग में कैसे करें, और वो भी हमको सीधा सीधा। कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं ना कि हमको सीधा इसको अलग अलग करें। तो इसको हम लोग किस तरह अलग करेंगे, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था टेढ़े मेढ़े खेत को तीन भागों में कैसे करें। उसमें हम लोग को इस टाइप में किए थे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। लेकिन किसी किसी की फरमाइश होता है कि नहीं, हमको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए ऐसे तीन भागों में। आज चलिए इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग पूरा का रकवा निकाल देंगे। क्या है रकवा? रकवा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय समांतर जो साइड्स होते हैं उसका योग है। इसमें क्या है, 40 और 60, 40 + 60 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, 120 से। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, 60 + 40 हो जाएगा आपका 100। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, और 12 × 5 = 60 पे 2 0, इतना फीट स्क्वायर इसकी रकबा। इसको हमको तीन पार्ट में बांटना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो एक पर पार्ट कितना आएगा, 2000 वर्ग फीट का तीनों को आएगा। हमको तीनों का एरिया 2000 वर्ग फीट भी करना है और सीधे सीधे इसको मापना भी है। चलिए, इसमें 120 फीट की लंबाई है, और तो प्रत्येक का पहले अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, परफेक्ट नहीं है, हम लोग 40 फीट ही रखते हैं। तो 40 फीट के हिसाब से कितना आएगा। हाँ, एक चीज इसमें और, यदि हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो एक इधर त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज का एरिया नहीं निकालना है, इसमें ये लाइन निकालनी है। यहाँ से लाइन निकालेंगे कि यहाँ से 40 फीट में कितना बड़ा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से इसको निकाल लेते हैं। इसको भी विधि पहले बता देते हैं, ऐसे है, ओ सॉरी, ऐसे है। ये आपका 60, 60 में से 40 किया, ये आपका 20 फीट है, ये 20 फीट है, ये 120 फीट है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसका जो कर्ण है, कर्ण इक्वल टू √ 120 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल 120। वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में उसे नहीं छोड़े, नहीं तो क्लियर समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही अलग विधि से बताया गया है, इसको पूरा फंडा करेंगे तो आपका 121.655। चलिए, ये तो आ गया है। अभी हम लोग को हाइट लेना है,
ये आ गया 120, 1.655 जो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये कैसे हम लोग मालूम करेंगे? ये मालूम करने के लिए ये देखिए 120 फीट में कितना इसका हाइट है, 120 फीट में 20 फीट हाइट है, एक फीट में कितना हो जाएगा 20 बाई 120 है, ये क्या हो गया 1 फीट में। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, हमको अभी 40 फीट के बाद इसकी जो दूरी है वो चाहिए, तो 40 से, तो ये आ गया 1 मिनट, हमको 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, सौ नहीं होगा 120 होगा, ठीक है, 20 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 6.66 ए एक्स्ट्रा हो गया, तो ए टोटल कितना आ गया अभी 46.66, 46.66। चलिए अभी इसका एक बार एरिया निकाल के देख लेते हैं 40 पर, ये समझिए पार्ट वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो पार्ट वन का क्या हो गया इसी तो हिसाब से करेंगे, रकवा वन का समलंब चतुर्भुज का करेंगे, अपोजिट साइड का एवरेज निकालेंगे, 40 प्लस 46.66 डिवाइड बाय 2 बराबर, नहीं मल्टीप्लाई बाय हाइट 40 फीट है, इसमें हम लोग का कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 40, 1733। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, 33.2 वर्ग फीट आया, हमको चाहिए था कितना 2000 वर्ग फुट सभी को चाहिए था, तो इसमें अंतर कितना आ गया 2000 माइनस 1733.2, 266.8, वर्ग फीट। 40 लिए तो इतना आया, इतना हम लोग इसमें इसको जो आया है डिफरेंस 266.8 को डिवाइड कर देंगे इसकी जो है उसका लेंथ से, तब ना इसकी हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी, 46.66, 266.8 डिवाइड कर देंगे 46.66, ये आ गया 5.7
5.7, यानी कि हमारा जो हाइट जो 40 लिए थे, अभी हाइट आ जाएगी 40+5.7 इक्वल टू 45.7 क्या चाहिए फीट। चलिए इस बार हम लोग इसका देखते हैं रकवा, फिर से एक इसमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, एक बार में परफेक्ट नहीं आएगी, प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। फिगर 1 का इस बार देखते हैं, अपोज हम लोग का पैरेलल साइड क्या है, 40+46.66 डिवाइड बाय 2 का हाइट, अभी हम लोग को नया हाइट क्या मिल गया 45.7। इसको कैलकुलेट करते हैं, 40+46.66 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 45.7। ये देखिए अभी आया 1980.18। चलिए अभी भी एग्जैक्ट नहीं है, वर्ग फीट। इसको मैं पूरा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी कोई डिटेल से नहीं किया होगा। अब इसमें क्या है, हम लोग के जो हाइट 40 लिए थे तो उसमें 46 आया था, 46.66, अभी हम लोग का 5.7 बढ़ गया, तो इसमें एक में कितना था, 20.120 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय, इस पर हम लोग कितने लेंगे 45.7, 45.7 20 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 45.7। जस्ट ए मिनट, 20 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 45.7, इसमें 7.61 इसमें बढ़ गया, यानी कि 40 इसमें प्लस कर लेंगे, इसका 47.6 है। अभी क्या है? इसका हाइट आ गया हम लोग का, ये अभी फाइनल हाइट आ गया। चलिए अभी हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे, फिगर 1 का इस पर रकवा निकालेंगे। अभी 40+40 नया हम लोग का अभी क्या निकल गया अपोजिट साइड, 47.61। हाइट कितना आ गया था, 45.7। फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स वन प्लस 40 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 46.7, इस बार हम लोग का बिल्कुल 2000 वर्ग फुट लगभग आ गया, 2000.8। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग अभी करेंगे, एक तो हम लोग को पता चल गया ये कितना है, 45.7 फीट हो गया, ठीक है। इसका है 47.6 और ये है 60 फीट, अभी बीच का हम लोग को निकल जाएगा 60
प्लस एवरेज निकाल लीजिए 47.6 डिवाइड बाई टू 53.8 अभी करेंगे। अभी हम लोग का इसका हाइट निकाल लेंगे। अभी हम लोग फिगर टू के लिए कर रहे हैं, दूसरा पार्टी के लिए क्षेत्रफल हम लोग का तो क्लियर है, 2000 चाहिए सबको। पैरेलल साइड क्या है, 47.6 प्लस 53.8 डिवाइड बाय टू, हाइट हम लोग का अभी पता नहीं है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 47.6 प्लस 53.8 डिवाइड बाय टू 50.7 मल्टीप्लाई बाय एच, देयरफॉर इसकी एच बराबर क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 50.7 बराबर 39.45 फीट। पहला हम लोग का निकल गया 45.7, क्योंकि ये इधर छोटी थी इसलिए इसको हम लोग का बड़ा हुआ, इधर इसका निकला हुआ है एरिया ज्यादा भी है, तो सेकंड का 39.45। ये पहला का समझिए यहां तक मिलेगी, तो इसका मिल गया 39.45। अभी इसको लास्ट वाला इसमें से माइनस कर देंगे, 120 माइनस 45.7 माइनस 39.45 34.85 फीट। इस हिसाब से सबका यहाँ पे निकल गया, सबका 2000 वर्ग फीट क्लियर हो गया। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छी लगे, यूजफुल लगे, लाइक करें, कमेंट में लिखें जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, धन्यवाद।